किसी भी कंटिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरहद के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बरकरार है। कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्र की प्रगति में कोई बाधा ना आए। भारतीय सेना भारतीय समाधानों के साथ भविष्य में युद्ध लड़ेगी और विजय प्राप्त करेगी। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। इनकी बंदूकें सरहद की तरफ तनी हुई हैं, इसलिए हम और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख पा रहे हैं। दुश्मन की हर हरकत इनके निशाने पर है, इसलिए हमारे देश में अमन और चैन है। और अब जरा गौर से फख्र से तने इनके सिर और चेहरों को भी देखिए। ये भारतीय सेना की महिला सैनिक हैं, जो एलओसी से लेकर कश्मीर तक फर्ज की राह पर डटी हुई हैं। यही नहीं, 2023 की शुरुआत भी सेना में महिला शक्ति से हुई। 2 जनवरी को कैप्टन शिवा चौहान ने सियाचिन ग्लेशियर में एक बेहद खतरनाक चढ़ाई के बाद अपनी पोस्ट पर काम शुरू कर दिया। सेना में महिलाओं के ये चेहरे गवाह हैं कि देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक हमारे रक्षक हमारी सेना लगातार बदल रही है। और बड़ी खबर यह है कि जल्दी ही भारतीय सेना के तोपखाने में भी महिला सैनिकों के दमखम और ताकत का जोश देखने को मिल सकता है। कमिश्निंग ऑफ वुमेन ऑफिसर्स, पहला कदम आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अफसरों को कमीशन करना है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हमने फैसला कर लिया है, हम इसे करेंगे। सरकार को इस बारे में प्रस्ताव भेज दिया गया है और हमें उम्मीद है कि उसे मान लिया जाएगा। वी होप दैट दिस विल बी एक्सेप्टेड। किसी युद्ध के नतीजों को तय करने में तोपखाने की अहम भूमिका होती है। तोपखाने में शामिल सैनिकों को जबरदस्त दमखम वाला होना चाहिए ताकि वो भारी तोपों को ऑपरेट कर सके और दुश्मन के दांत खट्टे कर सके। भारतीय सेना के तोपचियों को महाराष्ट्र में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में तोप चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत के दुश्मन इनसे घबराते हैं, लेकिन ये तोपें तभी कारगर होती हैं जब तोप चलाने वाली टीम दुश्मन की पोजीशन पर सटीक कैलकुलेशन करती है। अगर आप सोचते हैं कि तोपखाने के सैनिकों को सिर्फ गणित में महारत चाहिए तो आप गलती कर रहे हैं। इस काम में कितने दमखम की जरूरत होती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि तोप के पीछे लगने वाली टेक यानी स्पेड्स का वजन तकरीबन 150 किलो होता है, जिसे 2 जवानों को अपने हाथों से उठाना है। उसके पीछे लगने वाली दोनों ट्रेल्स में हर ट्रेल का वजन तकरीबन 1000 किलो है, जिसे 3 जवानों को मिलकर घुमाना है। एक राउंड का वजन 35 किलो है, जिसे लगातार जवान को हाथ से उठाना है और गन में लोड करना है। और इस दमखम को हासिल करने के लिए लगातार पसीना बहाना पड़ता है। जाहिर है कि तोपखाने का काम बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी तोपखाने में केवल ऑफिसर्स रैंक में ही महिलाओं को एंट्री देने का प्रस्ताव है, जिसे सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। महिला सैनिकों ने अब तक उन्हें जो भी ड्यूटी दी गई है उसे पूरे जोश से निभाया।
आगे भी वो ऐसा ही करेंगी। लेकिन ये तय है कि भारतीय सेना के इतिहास में ये एक बड़ा बदलाव है। जाहिर है 75वां सेना दिवस मना रही भारतीय सेना हर बदलाव और हर चुनौती को गले लगाने के लिए तैयार है। हमने भारतीय सेना को ट्रांसफॉर्म करने का फैसला किया है। इसके लिए मुख्य रूप से 5 प्रमुख पहलुओं की पहचान की गई है। इसकी शुरुआत सेना का पुनर्गठन और उसकी क्षमता को उच्चतम स्तर तक ले जाने से कर रहे हैं। हम आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी का भी समावेश करेंगे। इसके अलावा हमारी सोच में ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करना भी शामिल है। बदल रहा है युद्ध, ड्रोन सैटेलाइट नए हथियार और आईटी का है युग। बदल रही है सेना की भी तस्वीर, नई सोच से निखर रहे हैं नए वक्त के अग्निवीर। 74 साल के तजुर्बे से जवान सेना भरोसा दे रही है कि हम है ना। सेना दिवस पर खास भारतीय सेना का बदलता इतिहास। सेना है ना। भारतीय सेना को उसके नेतृत्व ने हर चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाया है। यह सिलसिला शुरू हुआ था 74 साल पहले, जब सेना के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल रॉय बूचर ने तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल K.M. करियप्पा को भारतीय सेना की कमान सौंपी। हालांकि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन सेना के कमांडर ब्रिटिश ही थे। 15 जनवरी 1949 को जनरल K.M. करियप्पा के रूप में भारतीय सेना को पहला भारतीय कमांडर इन चीफ मिला और इसी दिन की याद में हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा ब्रिटिश सेना में शामिल किए गए भारतीय अफसरों के पहले बैच के अफसर थे। वो 1953 में सेवानिवृत्त हो गए। भारतीय सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष के रूप में उनके शानदार करियर के लिए 1986 में K.M. करियप्पा को फील्ड मार्शल की पदवी दी। उन्हें भारतीय सेना को एक पेशेवर फौज बनाने के लिए याद किया जाता है। ये उनकी ही रखी हुई बुनियाद थी कि भारतीय सेना का कभी भी राजनीतिकरण नहीं हुआ। आज के दिन भी हम अपने अफसरों को उनकी जो शख्सियत है, उनके जो कैरेक्टर है, उसके ऊपर में स्टडी कराते हैं। पर्सनैलिटी स्टडीज में हमारे आर्मी में फील्ड मार्शल करियप्पा का नाम बहुत ऊपर आता है और उनके लाइफ स्केच को कि किस तरह के शख्स थे वो, किस तरह का उनका चरित्र था, किस तरह की उनकी उनका अहम उनकी जो अपनी अपहोल्ड करते थे अपनी पर्सनैलिटी को, वो आज हम अपने अफसरों को जो नए अफसर बनते हैं उनको सिखाते हैं, उनको एक उदाहरण देते हैं। हालांकि भारतीय सेना को आजादी के फौरन बाद ही बड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ा। देश की आजादी के बाद बंटवारे की आग ने देश को झुलसा रखा था। ब्रिटिश आर्मी के तहत भारतीय सैनिकों ने देश भर में हो रहे दंगों पर काबू पाने में सेना ने अहम भूमिका अदा की। इसके फौरन बाद कश्मीर में कबायलियों की आड़ में हुए पाकिस्तानी हमले को भी सेना ने नाकाम किया। आजाद मुल्क बनने की ख्वाहिश पाले हुए तमाम रियासतों को देश की मुख्य धारा से मिलाने में भी सेना ने अहम किरदार निभाया। आजादी के कुछ साल बाद देश के हालात स्थिर होने लगे थे, लेकिन सेना की चुनौतियां अभी बाकी थी। 1962 में चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर पीठ में छुरा घोंप दिया। चीन को दोस्त मुल्क समझने की वजह से भारत ने LAC पर भारी तैनाती नहीं की थी। लिहाजा चीन ने इस युद्ध में भारत पर बढ़त ले ली। लेकिन भूलने की बात नहीं है कि भारतीय सैनिकों ने एक एक इंच जमीन के लिए जान की बाजी लगा दी। There are a number of things that have changed from 1962 onwards till 2017. 1962 से लेकर 2017 के बीच सब कुछ बदल चुका। 62 भारतीय सेना का पहला बड़ा युद्ध था। ना तो हम ऑपरेशन के लिहाज से और ना ही लॉजिस्टिक के हिसाब से इस युद्ध के लिए तैयार थे। आज भारतीय सेना 1962 के युद्ध के बाद
कई युद्ध करके बहुत अनुभवी हो चुकी है। 1962 के बाद से अब सेना की ट्रेनिंग, हथियार, औजार और जोश सब कुछ ऊंचे दर्जे का है। Everything is different from what it was from 1962. इसमें शक नहीं है कि 62 के युद्ध से भारतीय सेना ने बहुत कुछ सीखा। इसका नतीजा थी 1965 की जीत। 62 के बाद भारत को कमजोर मानकर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर को हथियाने की साजिश रची, लेकिन भारतीय सेना के हाथों उसे मुंह की खानी पड़ी। यहां तक कि पाकिस्तान ने हाजी पीर जैसी अहम चौकी तक गंवा दी, जिसे बाद में भारत ने वापस कर दिया। पाकिस्तान के हाथ से लाहौर तक निकल सकता था। ये तो अब जीते हुए हम अब लाहौर चलेंगे, कोई कहता है भाई मैं रात को रेस्टोरेंट में मिलेंगे वगैरह, ये हम था कि भाई अब तो लड़ाई जीती हुई है, अब लाहौर तो आ गया अपने पास। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद बारी थी चीन की। चीन को 62 की हिमाकत का जवाब 5 साल बाद ही 1967 में मिल गया। चीन ने सिक्किम पर कब्जा करने की मंशा में नाथुला दर्रे के पास भारी सैनिक तैनात कर दिए थे। सितंबर में 4 दिन तक दोनों सेनाओं में भीषण जंग हुई। आखिरकार चीन को हार का सामना करना पड़ा। 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम के ही चावला में एक बार फिर चीनी सैनिकों ने हिमाकत की। इस बार भी चीन को पता चल गया कि भारतीय फौज बदल चुकी है। इस युद्ध के 4 ही साल बाद आई वो जंग जिसने दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क को जन्म दिया। 1971 के युद्ध में भारतीय फौज ने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मोर्चे पर जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान से टूटकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क बना। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जिसकी टीस उसे आज भी सताती है। Please think it over. I'll give you 30 minutes, and if you don't accept it, I will have no option but to order resumption of hostilities and bombing of Dhaka cantonment. Then I walked out. I said, "What have I done? He has 26,400 troops. We have 3,000 or some 30 miles out of Mirpur. What do we do?" I was pacing up and down. I was very worried. I said, "Aurora is going to land in a little while. The ceasefire expires in a little while. What?" He says, "No. What do I do? I have nothing in mind. I have nothing in mind." So I walked back. The paper I gave him was lying on the table. I said, "General, do you accept this?" I asked him 3 times. He didn't answer. So I picked it up and I said, "Take it as accepted." Then I said that you will surrender in the race course. ये सभी युद्ध बताते हैं कि आजादी के कुछ ही वर्षों में भारतीय सेना किस तरह से दुनिया के सबसे मुश्किल हालात में, सबसे दुर्गम इलाकों में सबसे खतरनाक जंग लड़ने वाली एक ऐसी फौज बन गई जिसे टकराने का साहस आज कोई दुश्मन नहीं कर पाता। दुश्मनों ने जब जब भारतीय सेना के युद्ध कौशल को परखने की कोशिश की, उसे हार का सामना करना पड़ा। हाल के वर्षों में पाकिस्तान से करगिल युद्ध और चीन से गलवान की झड़प में सेना ने दिखा दिया कि वो एक बदली हुई लड़ाकू फौज है, जो जैसी चुनौती मिलती है वैसा जवाब देती है। करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानियों को बोफोर्स तोपों और सैनिकों के जांबाजी ने जिस तरह से खदेड़ा युद्ध इतिहास में, उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। It was the Bofors gun that defeated the Pakistanis. वो बोफोर्स तोपें थी जिन्होंने पाकिस्तानियों को करगिल में हराया। They destroyed the Pakistanis. 90% करगिल की लड़ाई में 90% भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक जो आहत हुए थे वो तोपों के हमले से हुए थे। Artillery fire. We'll be right back.
हालांकि आज के वक्त का एक सच ये भी है कि अब परंपरागत युद्ध नहीं लड़े जा रहे हैं। दुश्मन छिपकर, साजिश रचकर, मोहरों का इस्तेमाल कर युद्ध कर रहा है। ऐसे वक्त में सेना ने भी खुद को बदला है। कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक भारतीय सेना लगातार हर दिन हो रहे युद्धों से जूझ रही है। इस युद्ध में दुश्मन सामने दिखाई नहीं देता, आम लोगों के बीच छिपा रहता है, लेकिन सेना भी ऐसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना दिवस के मौके पर हुई सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने इन सभी चुनौतियों के बारे में खुलकर भारतीय सेना का पक्ष रखा। ड्रोन के जरिए वेपन्स, एमुनेशन या फिर एक्सप्लोसिव को भी ड्रॉप करने की कोशिश की है, पर इसमें भी सेना और क्योंकि आईबी इलाके में ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है, दोनों ने मिलकर कई इस तरह के की कोशिशों को भी नाकाम किया है। और इस संदर्भ में खासकर हमने ड्रोन जैमर्स और स्पूफर्स कुछ मात्रा में शुरू में प्रोक्योर किए हैं और उसकी जो एफिकेसी या इफेक्टिवनेस है वो जो हमारे पास अभी रिपोर्ट्स आए हैं वो अच्छी पाई गई है। पिछले साल 2022 में इन्फिल्ट्रेशन लेवल्स या फिगर्स में काफ़ी मात्रा में कटौती हुई है। जम्मू कश्मीर में कुल 12 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, जिसमें से कि 18 घुसपैठियों को सेना ने गिराया था। क्योंकि काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा वैली इलाके में मजबूत और कारगर रहा है। पाकिस्तान की शह पर आतंकवादी अब घुसपैठ करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गलवान झड़प के बाद चीन ने भी कई वीडियो जारी कर दिखाया कि युद्ध लड़ने के लिए उसने किस तरह की ड्रोन सेना तैयार की है। दरअसल साल 2020 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई नगोर्नो काराबाख की जंग ने आधुनिक युद्ध को लड़ने का अंदाज बदल दिया है। इस युद्ध में अजरबैजान ने तुर्की में बने TB2 बायरक्तार ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो सैटेलाइट से मिले निर्देशों पर चलते हैं। इनके हमलों ने दुनिया भर की सेनाओं को यह बता दिया कि छोटे से ड्रोन के प्रहार से टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की धज्जियां उड़ सकती हैं। भारतीय सेना ने भी इस युद्ध से सबक लिए हैं। और अब वो तेजी से हथियार बंद ड्रोन की यूनिट्स तैयार कर रही है। भारतीय सेना ने इस साल अगस्त में ड्रोनाथन प्रतियोगिता शुरू कर ड्रोन के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले इंडस्ट्री और सेना को एक ही मंच पर लाने की कोशिश की है, ताकि भारतीय सेना की ड्रोन की जरूरतों को तेजी से पूरा किया जा सके। इसके साथ ही भारतीय सेना ने इस साल बड़े पैमाने पर ड्रोन की खरीदी का भी कार्यक्रम शुरू किया है। अगस्त में भारतीय सेना ने झुंड में हमला करने वाले यानी स्वार्म ड्रोन को शामिल करने की घोषणा भी की। ₹2022 का स्वतंत्रता दिवस इस मायने में भी खास था कि इस बार तिरंगे को तोपों की सलामी में एक भारतीय तोप की गरज भी शामिल थी। एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS 155 मिलीमीटर की तोप है, जो इस कैलिबर में दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप है। बड़े और भारी हथियारों के अलावा भारतीय सेना को छोटे लेकिन घातक हथियारों से भी लैस किया गया है। अब भारतीय सैनिक सिगस्वायर इजरायली नेगेव लाइट मशीन गन्स टैवोर 21 से लैस हैं।
सैनिकों को देश में ही बनी आधुनिक रूसी AK-203 राइफलें भी मिलने वाली हैं। As far as the AK-203 project is concerned, जहां तक AK-203 प्रोजेक्ट की बात है, हमने रूस के साथ मिलकर 6 लाख आधुनिक हथियार बनाने की प्लानिंग की है। Manufactured in collaboration with the Russians. कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये 10 सालों में पूरा होना है। 128 months or close to 10 years. इनमें से पहले 70,000 हथियार करीब 32 महीनों में आने वाले हैं। Is to come up first in a matter of 32 months. सरकार भी सेना को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने में कसर नहीं छोड़ रही है। विदेशी हथियारों पर सेना की निर्भरता को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल 22 दिसंबर को 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के सैनिक साजो सामान की खरीदी की प्रक्रिया शुरू की, जिसका 97% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। 2022-23 के रक्षा बजट में नई खरीद के लिए तय किए गए 1.52 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका 68% स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदा जा रहा है। दरअसल 2023 में भारतीय सेना ऐसे कई बदलाव लेकर आ रही है, जिसका दूरगामी असर देखने को मिलेगा। इस कड़ी में आधुनिक हथियार रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है, तो सेना की ऐसी रेजिमेंट्स और यूनिट्स को खत्म करना भी है, जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई है। कोशिश ये है कि सेना संख्या के हिसाब से बड़ी न हो, बल्कि उसे छरहरा और फुर्तीला बनाने पर जोर है। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए जून 2022 में अग्निवीर योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत नए रंगरूटों का कार्यकाल 4 साल का रखा गया है। 4 साल पूरे करने के बाद 25% अग्निवीरों को उनके बेहतर काम के आधार पर रेगुलर कैडर के लिए रखा जाएगा। हैदराबाद के गोलकुंडा स्थित आर्मी आर्टिलरी सेंटर में 2,264 अग्निवीरों का पहला बैच ट्रेनिंग ले रहा है। कि देश में हमारे पहले बैच का नाम है, अगर हमें युवाओं को मौका मिला है कि अग्निवीर स्कीम में हम पहले बंदे सिलेक्ट हुए हैं। हम लोगों को फर्स्ट अच्छे गनर और अच्छे टीए ऑपरेटर और हमारे इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं, वो हमें अच्छा काबिल बनाकर सर यहाँ एक अच्छा सोल्जर बनाकर यहाँ से निकालेंगे सर। अग्निवीर प्रशिक्षित और सख्त, भारतीय सेना पूर्णतः सशक्त। भारतीय सेना बदल रही है। और इस बदलती हुई सेना का सबसे बड़ा चेहरा है ये अग्निवीर और उनका जोश। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।